संकल्प शिविर की शुरुआत रायपुर पश्चिम से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से संकल्प शिविर के माध्यम से शुरुआत हुई है। प्रत्येक विधानसभा में ये संकल्प शिविर का आयोजन होगा जिसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेता लोग जाएंगे और यही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में, संगठित हैं, बहुत सारे विधानसभा में बहुत अच्छे हमारे संगठन में काम हुआ है और उसमें रायपुर पश्चिम भी उसमें से एक है जिसमें बहुत बढ़िया बूथ लेवल का के गठन किया गया है और निश्चित रूप से आने वाले समय में इसका लाभ हमको मिलेगा। चलो मैं देख रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं है, देख लेता हूँ फिर बात करूँगा। क्या सवा दो घंटा क्या बोले किसी समझ नहीं आया। 97 मिनट में मणिपुर विश्वास प्रस्ताव किस पे आया था? मणिपुर की घटना पे, लेकिन मणिपुर को सबसे आखिरी में वो बोले, वो भी 2 मिनट, जिसके नाम से ये प्रस्ताव आया था विश्वास प्रस्ताव, उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं उन्होंने और उसके समाधान के बारे में कोई बात उन्होंने नहीं कही है। देश पूरा सुन रहा था कि इसके समाधान के बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन देश को निराशा हुई कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर के ज्वलंत घटना के बारे में एक 2 मिनट बोल के अपने जिम्मेदारी का इतिश्री कर लिए। राहुल गांधी के आने के बाद फिर से विचलित हो गए सर बीजेपी? निश्चित रूप से राहुल जी को रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन राहुल जी रुकने वाले कहाँ हैं, थमने वाले नहीं हैं। वो निरंतर देश के हालात पर लगातार बयान भी देते हैं और वो संगठित भी करते हैं और जहाँ जहाँ अन्याय अत्याचार होते हैं वहाँ पहुँचते भी हैं। अभी मतलब जितना सस्पेंड करने का रिकॉर्ड है ना, ये वर्तमान लोकसभा में हुआ है। थैंक यू।